तो भैया का नाम क्या है? पंकज खन्ना। पंकज खन्ना, तो भैया आप ये शॉप कब से कर रहे हो यहाँ पे? भैया अभी मेरे को फिलहाल यहाँ पे 1.5 साल हुए। अच्छा, 1.5 साल से आपको ये शॉप रन करते हो गया? हाँ जी, हाँ जी। तो आप यहाँ पे क्या क्या वैरायटीज लगाते हो चाप की, और क्या क्या लगाते हो यहाँ पे? चाप में काफ़ी डिफरेंट आइटम है, मलाई चाप है, पंजाबी चाप है, तंदूरी चाप टिक्का है, हमारा बहुत फेमस है, सोया टंगड़ी बनाते हैं, ये समझ लो आप बिल्कुल वेज लेग पीस होता है वो, सोया टंगड़ी बनाते हैं, बाकी रोल्स बनाते हैं, तंदूरी स्प्रिंग रोल बनाते हैं, तंदूरी मोमोज बनाते हैं, चाइनीज़ प्लेटर, मोमोज प्लेटर, ग्रेवी में नॉर्थ इंडियन सारा है हमारे पास। अच्छा, हाँ जी। तो अभी फिलहाल हमारे लिए क्या बनाओगे आप? आपके लिए इस समय जो ट्रेंड में चल रहा है बहुत फेमस आइटम है तंदूरी स्प्रिंग रोल। अच्छा, तंदूरी स्प्रिंग रोल। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या कॉन्सेप्ट है इसका? ये भी है, स्प्रिंग रोल पहले हाफ डाउन होता है, उसके बाद ये हमारा एक स्पेशल पेस्ट है, ये लगाते हैं। अच्छा, जैसे कि आप देख सकते हैं ये ऑरेंज कलर का पेस्ट है। हाँ जी, हाँ जी। ये इससे समझ लो कि इसे नहला रहे हैं हम। अच्छा, तो इस पेस्ट में क्या क्या होता है? इस पेस्ट में भैया कुछ हमारे अपने इंग्रेडिएंट्स हैं इसको करारा करने के लिए, वो आपसे मैं अभी शेयर नहीं कर पाऊँगा, आपको बता दूंगा। अच्छा, हाँ जी, क्योंकि भैया अभी जब 1.5 साल से हमने बनाना स्टार्ट करा है ना तंदूरी स्प्रिंग रोल, तो काफ़ी शॉप वाले ना इसको कॉपी करने लगे हैं। अच्छा, कर तो नहीं पाए खैर अभी इतना फेमस। हाँ जी, लेकिन ये है कि इंग्रेडिएंट्स अभी मैं इसको बता नहीं सकता आपको ना, आपको खिला के ट्राई करता हूँ। ठीक है, आप फिर बताना ये कैसी आइटम। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इन्होंने पूरा इसको ऑरेंज कलर कर दिया है, देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है ये। स्प्रिंग रोल के ऊपर पूरे ऑरेंज कलर की कोटिंग हो चुकी है इस टाइम पे। कलर नहीं है भैया? अच्छा, कलर नहीं है इसमें, मसाले हैं, मसालों का कलर है ये। हाँ जी, हाँ जी, कलर नहीं है इसमें, मसाले हैं, जिससे फ्लेवर आएगा इसके अंदर, स्मोकी फ्लेवर आएगा। तो इसी के पेस्ट का फ्लेवर होता है ये। अब ये जा रहा है तंदूर में। ठीक है, तो ये गया तंदूर में। तो कितने मिनट इसको तंदूर में हम? ये 2 से 3 मिनट में रोस्ट हो जाएगा। तो 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको रोस्ट होने में। राइट रहे हैं यहाँ पे, इनके हैंड सैनिटाइज होंगे, उसके बाद ही हम इनका टेम्परेचर चेक करेंगे। अब टेम्परेचर नॉर्मल होगा तभी इन्हें ऑर्डर दे सकते हैं, वरना इन्हें ऑर्डर नहीं मिलेगा। सारा स्टाफ ने मास्क वेयर करा है, सब कुछ है प्रॉपर, जो WHO की गाइडलाइंस है पूरी फॉलो हो रही है इधर। इसमें ये रोस्ट हो रहा है और भैया इसमें अब बटर लगाने वाले हैं, जिससे इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा, तो और क्रिस्पी हो जाएगा, स्मोकी फ्लेवर आएगा इसके अंदर। अच्छा, तो ये थोड़ा सा स्मोकी और क्रिस्पी हो जाएगा। ये देखो कितना क्रिस्पी हो चुका है। तो ये देखो बहुत ही क्रिस्पी हो चुका है और रोस्ट बहुत ही अच्छे से हो गया है। तो ये कंप्लीट हो गया, अब ये भैया निकाल के हमें आपकी प्लेटिंग के लिए रेडी है। आओ इसे बनाते हैं, मैरिनेशन करते हैं इसके ऊपर। तो फाइनली हमारी प्लेट लगने जा रही है यहाँ पे। तो भैया कितने पीस करते हैं आप इसके? इसके भैया ये 2 रोल हैं, इनके 8 पीस होंगे। अच्छा, तो जो प्याज भैया ने इसके साथ लगाया था उसी को भैया कट करके इसमें डालेंगे? नॉर्मल प्याज डालते हैं तो उससे टेस्ट नहीं आता। हाँ जी, प्याज भी तंदूर से हो गया, ये तो उसका टेस्ट डबल हो जाएगा। अभी एकदम कैसी आवाज़ आ रही है? तो एकदम क्रिस्पी, ये बहुत ही क्रंची हो चुका है। तो काफ़ी नया कॉन्सेप्ट है ये, आप ज़रूर आके यहाँ पे एक बार ट्राई करो। और ये इसी मसाले में भैया, ये मसाला कौन सा था? ये भी हमारा चाट मसाला है, अपना इन हाउस बनाते हैं। अच्छा, और वो क्या डाल रहे हैं? अमूल बटर है और ये आपका अमूल क्रीम है। ठीक है, इसका मैरिनेशन स्टार्ट हो गया है और ये जो क्रिस्पी है ना उसके ऊपर ये स्पाइसी क्रीम डलेगी ना। अच्छा, ये तो इसके टेस्ट को डबल से भी डबल कर देगी। बाकी तो भैया आप बताओगे टेस्ट करके। ठीक है, कैसा है? आज तक किसी कस्टमर को निराश नहीं किया हमने तंदूरी स्प्रिंग रोल में ना। अच्छा भैया, तो ये फाइनली प्लेट रेडी हो चुकी है, अभी इसमें सिर्फ चटनी और प्याज लगाता हूँ मैं। ठीक है, ये लीजिए भैया, आपकी प्लेट तैयार है आपके टेस्ट के लिए। तो ये ग्रीन चटनी किस चीज़ की भैया? ये भैया मिंट सॉस है। तो ये मिंट सॉस है और थोड़ा सा प्याज। हाँ जी, आप इसे ट्राई कीजिए। ठीक है,
आप बताइए कैसा है। तो भैया आप मेरे को इसकी टाइमिंग बता दो अपनी शॉप की। भैया हमारी शॉप की टाइमिंग है आपका, हम 12 बजे से लेके रात को 12 बजे तक खोलते हैं। ठीक है, दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक ये शॉप ऑन रहती है। और हफ्ते में कितने दिन? भैया हफ्ते में 7 दिन ऑन है हमारे, कोई ऑफ नहीं है। ठीक है, महीने में एक ऑफ रखते हैं, वो अपने अपने हिसाब से जिस भी दिन हमें थोड़ा काम होता है तो थोड़ा आराम कर लेते हैं बस। और इसकी लोकेशन बता दो एग्जैक्ट लोकेशन। ये भैया कृष्णा नगर है, कृष्णा नगर में आप किसी से भी पूछ लीजिएगा, खन्ना तंदूरी जंक्शन बहुत फेमस है। यहाँ पर नियर बाई हैपिंग स्कूल है, हैपिंग स्कूल के सामने ही है बिल्कुल। तो फाइनली तंदूरी स्प्रिंग रोल की प्लेट लग चुकी है, तो मैं इसको ट्राई करता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसमें बता देता हूँ आपको कि इन्होंने क्या क्या किया था। तो ये तंदूरी स्प्रिंग रोल को पहले स्प्रिंग रोल को बना के लेके आए थे वहाँ से, अंदर से किचन से। उसके बाद इन्होंने इस पर अपना मसाला पेस्ट था इनका ऑरेंज कलर का, वो पेस्ट लगाया था। उसके बाद इन्होंने तंदूर में डाला उसको, तंदूर में डालने के बाद उस पर बटर लगाया जिससे ये थोड़ा क्रिस्पी हो गया। उसके बाद हमने इसको निकाला और भैया ने इस पर थोड़े बहुत मसाले डाले। तो अब मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ, उसको काफ़ी बढ़िया लग रहा है ये देखने में। तो मैं इसको मिंट की चटनी के साथ खाऊंगा, थोड़ी सी मिंट की चटनी लगा देते इसमें। ऐसे स्प्रिंग रोल मैंने कभी नहीं खाए। नॉर्मली आप जाके स्प्रिंग रोल खाओगे तो उसमें पनीर होगा, अलग अलग फीलिंग्स होगी, बट ये काफ़ी यूनिक कॉन्सेप्ट है और बहुत ही अच्छा है। तो बहुत ही मज़ा आया मुझे खाने में। इस प्लेट का प्राइस है 130 रुपीज़ और 8 पीसेस मिलेंगे आपको स्प्रिंग रोल के। बहुत ही मज़ा आ गया खाने में और फटाफट से मैं इसको फिनिश करता हूँ मिंट की चटनी साथ, और मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।